हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आई हूँ दिल्ली एंड मैं अभी घूम रही थी अक्षरधाम मंदिर, जो कि बहुत ही यहाँ पे इसका अद्भुत नज़ारा है। इसको एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है, आप खुद जाके देख सकते हो। यहाँ पे जो सोज होते हैं बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पिक्स क्लिक किए थे जो कि मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ, आप देख सकते हो। एंड हेयर स्टाइल जो है वो आज मैं बताऊंगी, दो बॉबी क्लिप से 6 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हेयर स्टाइल, जो कि बहुत ही अलग है थोड़ा सा, और आप उसको ट्राई कर सकते हो। न्यू तरीके से बताया हुआ है, और सिर्फ दो बॉबी क्लिप से आप इस तरीके का हेयर स्टाइल करके कहीं भी मार्केट के लिए, शॉपिंग के लिए जा सकते हो। ओपन बालों में बहुत ही प्यारा लगेगा, एंड छोटे बाल हैं, लॉन्ग बाल हैं, मीडियम लेंथ है, सब पे जाएगा ये हेयर स्टाइल, तो कोई भी कर सकता है। तो चलिए हेयर स्टाइल को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए होते चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइक अभी से कर दीजिए क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो, तो लाइक कर दीजिए। और फर्स्ट हेयर स्टाइल है जो इस तरीके से करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, इस तरीके से एक साइड से ईयर के पास से बालों को कॉम करना है, दूसरे हाथ से उसको पकड़ना है यानी कि होल्ड करके, और फिर अपनी जो चिटकी होती है फिंगर्स, दो फिंगर्स लेनी है, पतली पतली हाथों से आपको हेयर को लाइनिंग बनानी है प्रॉपर तरीके से। बाहर आई हूँ तो मैं सेटिंग स्प्रे लाना भूल गई थी, तो आप इस पर सेटिंग स्प्रे लगाओगे तो आपकी लाइनिंग प्रॉपर हो जाएगी और बहुत प्यारी लगेगी। अगर सेटिंग स्प्रे नहीं है, मैसी लुक के साथ जैसे कि मैंने किया है वैसे आप कर सकते हो यहाँ पे। और दो बॉबी क्लिप्स आपको यहाँ पे लगा देने हैं। ये वाला हेयर स्टाइल जो है लॉन्ग फेस पे बहुत प्यारा लगेगा, एंड ओवल फेस के साथ भी ये हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा। मेरा फेस तो राउंड में है फिर भी मेरे ऊपर ये सूट करता है, तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। जिसके वीक फॉरहेड्स हैं उन पे भी ये हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया, चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल के लिए आपको क्या करना है, पहले मैं इस हेयर स्टाइल को ओपन कर लेती हूँ। तो सेकेंड हेयर स्टाइल में पहले इस तरीके की आपको मोटे दांतों वाली कॉम लेनी है। इस साइड की लाइनिंग आप देख सकते हो बहुत चौड़ी चौड़ी है, और दूसरी साइड की पतली वाली, तो पतली वाली लाइनिंग आपको यूज नहीं करनी है, जो चौड़े दांतों वाली दिख रही है उसको यूज करना है। देन सेंटर से आपको आईब्रो का जो आर्च होता है दोनों साइड से हेयर को लेना है, एंड ऊपर की तरफ कॉम करना है, अगेन आपको होल्ड करना है, और जो आपकी मोटे दांतों वाली कॉम की लाइनिंग है उसको प्रॉपरली स्कैल्प के साथ अटैच करते हुए खींचना है, और दूसरे हाथ से होल्ड करके इस तरीके से जैसे कि मैं कर रही हूँ यहाँ पे वीडियो में, इस तरीके से आपको करना है। हर चीज़ एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है गाइस, तो थोड़ा सा वीडियो देख के भी समझ लिया करो। एंड इस तरीके से पकड़ा है मैंने, और थोड़ा थोड़ा इसको इस तरीके से खींचना है, और आप चाहो तो मैसी सा लुक भी दे सकते हो, चाहो तो इसको प्रॉपर प्रोफेशनल लुक देने के लिए सेटिंग स्प्रे यूज करना पड़ेगा, जो कि इस वक्त मेरे पास नहीं है। बाद में मैं बहुत सारी वीडियो सेटिंग स्प्रे के साथ डाली हुई है, तो आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। इससे पहले वाली वीडियो मैंने बनाई थी क्लचर के साथ, एक क्लचर से दो डिफरेंट एंड न्यू बन हेयर स्टाइल, हाई बन हेयर स्टाइल है, जो कि आपके ऑल ड्रेस के साथ जाएगा, साड़ी पहना हो, सूट पहना हो, या फिर वेस्टर्न ड्रेस है, सबके साथ जाएगा। तो आपको इस तरीके से करना है अपने सेकेंड हेयर स्टाइल में। देखिए कितना प्यारा लुक आ गया, और बहुत ईजी है, सारे हेयर स्टाइल बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से कोई भी कर सकता है इस हेयर स्टाइल को। और जिसके बहुत छोटे हेयर हैं यानी कि ईयर लेंथ है या फिर शोल्डर लेंथ है, उन पे भी ये हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और लॉन्ग हेयर स्टाइल के साथ भी आप ऐसा करके चाहो तो चोटी बना लो, या फिर आप बन बना के छोड़ सकते हो। तो ये देखिए हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जो कि काफ़ी अच्छा मैसी सा लुक दे रहा है, और बहुत छोटे बालों पे भी काफ़ी अच्छे से आप बना लोगे। तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, थर्ड हेयर स्टाइल के लिए आपको बालों को इस तरीके से सेंटर से थोड़ा थोड़ा सा पकड़ना है एंड ट्विस्ट करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ यहाँ पे। बहुत ईजी है, आराम से कर लोगे। जहाँ से आप बीच की मांग निकालते हो, बीच की मांग यहाँ पे नहीं निकालनी है, वहीं से थोड़े से हेयर को लेना है एंड ट्विस्ट करना है। और जैसे मैं खींच रही हूँ पीछे से, आपको थोड़ा थोड़ा खींच लेना है जिससे कि बालों में मैसी सा लुक आ जाए और बहुत प्यारा लगे। अब इसको पीछे से ले क्राउन एरिया पे ले जाके अपने क्लिप से, बॉबी क्लिप से इसको सेट कर दीजिए। यहाँ पे आप चाहो तो पूरा ईयर तक भी ये स्टाइल बना सकते हो, और चाहो तो जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ उस तरीके से भी करके छोड़ सकते हो। जो आज मैंने जो भी हेयर स्टाइल बताया है सारे ही किसी भी ड्रेस के साथ आपके अच्छे लगेंगे। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इस तरीके से आपको बनाना है। और मेरे चैनल पे आपको इसी तरीके की सारी हेयर स्टाइल, जो भी हेयर स्टाइल बताती हूँ बहुत इजी होते हैं, देखने में बिल्कुल मुश्किल लगते हैं, बट आप अगर करना चाहो तो बहुत आसानी से कर सकते हो। जो मैं डमी वगैरह पे बताती हूँ वो भी हेयर स्टाइल आप सेल्फ चाहो तो ट्राई कर सकते हो, सेल्फ बना सकते हो। बस यहाँ पे मैं तीन लेयर्स लिया है मैंने, और इस तरीके से इसको खींचा है ताकि पीछे से जो हमारा लुक है वो मैसी सा आए और थोड़ा डिफरेंट दिखे। और इसको दो बॉबी क्लिप से मैं यहाँ पे सेट कर दे रही हूँ, और दैट्स इट, हमारा थर्ड हेयर स्टाइल भी यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। जिसका छोटा फोरहेड है, छोटे माथे वाले हेयर स्टाइल फोरहेड पे भी ये वाला हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगेगा।
तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है, जिसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके का आएगा। देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है आपका बैक साइड से। तो चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। चौथे हेयर स्टाइल में आपको इस तरीके से बीच की मांग निकाल लेनी है, क्राउन एरिया पे हेयर को लेना है एंड अच्छे से कॉम कर लेना है। तो इस तरीके से आपको क्राउन एरिया पे से हेयर को लेना है, देन इसी तरीके की मोटे दांतों वाली कॉम से कॉम करना है। मोटे दांतों वाली कंघी इसलिए यूज करती हूँ मैं ताकि हमारे बाल जो उलझे होते हैं इजीली सुलझ जाए और हेयर स्टाइल बनाने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो क्राउन एरिया से इस तरीके से हेयर लिया है, पूरा नहीं लेना है, बस सेंटर से आपको थोड़ा सा हेयर लेना है, हल्का सा पफ बनाना है एंड दो बॉबी क्लिप से यहाँ पे हेयर को सेट कर देना है। ओके, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे बॉबी क्लिप्स लगा दी है। सॉरी गाइस, बीच बीच में कॉल आ जा रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बमेंट हो रहा है, प्लीज़ इग्नोर इट एंड वीडियो को एंजॉय कीजिए। पफ बनाने के बाद से आपको अपने साइड से इस तरीके से हेयर को लेना है, सिंपल चोटी बनानी है थ्री लेयर्स वाली। इस तरीके से चोटी बना के आपको पफ के ऊपर से इसको पीछे की साइड ले जाना है और बहुत स्टाइलिश लगेगा और डिफरेंट भी है, बिल्कुल न्यू है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जितना आपका जैसे आपने पफ बनाया है पीछे जहाँ पे आपने बॉबी क्लिप्स लगाया है उतना लॉन्ग आपको चोटी बनानी है। आपके बैंग्स अगर फ्लिक्स बहुत छोटे हैं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, काफ़ी अच्छा लुक आएगा, बट लंबे बाल हैं तो ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल नया है और जो कि बहुत स्टाइलिश लग सकता है। देखिए मैं वीडियो में ही इस तरीके से ट्राई करती रहती हूँ जिससे कि कुछ डिफरेंट सा हेयर स्टाइल आप लोग को मिले। तो देखिए इसको साइड से ले जाने पे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने ऊपर से ले लिया, ऊपर से भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगेन मैंने दो बॉबी क्लिप्स, इस वाले हेयर स्टाइल में आपको चार बॉबी क्लिप्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे भी तीन लेयर्स इस तरीके से लिए हैं, देन इसको भी इस तरीके से चोटी बना लेनी है, ब्रेड बना लेनी है और पफ के ऊपर से ले जाके बैक साइड में जहाँ पे आपने बॉबी क्लिप्स लगाई हैं पफ को सेट करने के लिए वहीं पे इस हेयर को भी लेना है एंड सेट कर देना है। ओके, तो इस तरीके से मैंने बना ली है, अब पीछे की तरफ लेके जाएंगे। मैंने यहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं की है, वीडियो को फास्ट भी नहीं किया है। कई लोग बोलते हैं कि मैम वीडियो इतनी फास्ट हो जाती है कि समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैंने कुछ यहाँ पे एडिट नहीं किया, सिर्फ आवाज़ एडिट की है बाद में, क्योंकि बाहर आई हूँ तो थोड़ा सा आवाज़ साथ साथ में डालना थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए बाद में एडिट कर देती हूँ। बट फिर भी कोशिश करती हूँ कि आप लोग को प्रॉपरली अच्छे तरीके से समझ में आए। फिर भी कोई डाउट हो, कुछ ना समझ में आता हो, वैसे तो बहुत ईजी है, देख के भी आप समझ सकते हो विदाउट आवाज़ के भी, वॉइस के भी, म्यूजिक डाल दूँ तो भी समझ में आ जाएगा। बट फिर भी कुछ दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, जिसकी मदद से मैं और अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश कर पाऊँ और न्यू टॉपिक्स पे वीडियो लेके आ पाऊँ आप लोग को। कोई अलग टाइप का हेयर स्टाइल चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। तो पाँचवें चौथा हेयर स्टाइल का फाइनल लुक आपने देखा, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी स्टाइलिश था, बिल्कुल न्यू था, यूनिक था, क्यूट था। एंड पाँचवें हेयर स्टाइल में भी मैं यहाँ पे सेंटर पार्टीशन कर रही हूँ। सिल्क लुक आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है तो सिल्क लुक के लिए मैंने यहाँ पे सेंटर पार्टीशन की है। आप चाहो तो साइड पार्टीशन के साथ भी ये लुक क्रिएट कर सकते हो। तो सेंटर पार्टीशन के साथ इस तरीके से अगर आपके जैसे मेरे हेयर हैं थोड़ा सा स्ट्रेट एंड थोड़ा कर्ली है, मीडियम है, तो आप इस तरीके से अगर आपके भी हेयर हैं तो आपका सिंपली आप चाहोगे ईयर के पीछे हेयर रख के सिल्क लुक पाना तो थोड़ा मुश्किल है। तो जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ आप कर सकते हो। अगर आपका स्ट्रेट है, आपने केमिकल ट्रीटमेंट लिया है तब तो ओके, आप कर सकते हो सिंपली विदाउट बॉबी क्लिप्स के। बट आपने कोई केमिकल ट्रीटमेंट मतलब स्ट्रेटनिंग वगैरह नहीं करवाई है तो आपको इस तरीके से हेयर को फ्लैट लुक देते हुए ईयर के पीछे ले जाके एक बॉबी क्लिप्स लगाना पड़ेगा जिससे कि आपका हेयर जो है वो लॉन्ग टाइम तक होल्ड रहे। अगर आपके फ्लिक्स कटे हुए हैं, फ्रंट बैंग्स कटे हुए हैं तो आपको ईयर के पीछे लगाना पड़ेगा इस तरीके से बॉबी क्लिप। अगर आपके हेयर लॉन्ग हैं फ्रंट से तो आप बैक में ले जाके जहाँ पे आप पोनी बनाते हो एकदम नीचे में वहाँ पे दोनों साइड के हेयर को पकड़ के पोनी बना दीजिएगा तो वो ज़्यादा टाइम तक आपको आपका बना रहेगा। तो चलते हैं छठे हेयर स्टाइल की तरफ। पांचवा कुछ इस तरीके का आएगा। छठे हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, सिंपली आपको हेयर को इस तरीके से पकड़ना है, आप देख सकते हो इस तरीके से प्रॉपरली पकड़ना है जिससे कि जो प्रोफेशनल लाइनिंग बनती है उस तरीके से आपका बने। तो यहाँ पे अगेन बोलना चाहूँगी सेटिंग स्प्रे नहीं है मेरे पास तो बनाने में थोड़ा सा दिक्कत है। अगर आपके पास भी सेटिंग स्प्रे नहीं है, सबके पास सेटिंग स्प्रे नहीं होता है, जिनको डेली हेयर स्टाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती है वो इतनी महंगे प्रोडक्ट्स नहीं रखना चाहते हैं, तो जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पे उस तरीके से आप कर सकते हो।
इस तरीके से लाइनिंग मैंने बनाई है। देन दो बॉबी क्लिप्स मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, और अगेन जैसे आपका मैंने मेरी लाइनिंग जैसे खींच गई वैसे अगर आपकी भी खींच जाए तो आप इस तरीके से बना सकते हो। तो ये हमारा छठा हेयर स्टाइल कम्प्लीट होने वाला है, जो कि सिर्फ दो बॉबी क्लिप की मदद से बन गया है। तो आई होप कि आपको सारे हेयर स्टाइल अच्छे लगे। कौन सा हेयर स्टाइल सबसे बेस्ट लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। अगर आपसे इस तरीके से प्रॉपर लाइनिंग नहीं बनती है तो जैसे मैंने यहाँ पे किया, दो फिंगर की मदद से बीच के हेयर को पकड़ना है एंड एक बॉबी क्लिप ले लेना है। बॉबी क्लिप से इस तरीके से सेट करना है हेयर को, और जो आपने पीछे में बॉबी क्लिप्स लगाया है यू पिन लेना है और बॉबी क्लिप के साथ इस तरीके से सेट कर देना है, जिससे कि आपकी लाइनिंग जो है वो अच्छे से बन जाएगी। तो ये हमारा छठा हेयर स्टाइल भी कंप्लीट होगा। सेकंड चैनल पे मैं स्किन से रिलेटेड ऑल वीडियोज बताते रहती हूँ, स्किन टाइटनिंग, झुर्रियों के लिए, छाइयों के लिए, और अलग अलग स्किन के टाइप जो भी रिकमेंडेशन होती है आपकी उसके अकॉर्डिंग।